अमेरिका के ऊपर ही निर्भर करता है कि क्या वो दक्षिण कोरिया से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटाएगा या फिर नहीं। एक बड़ी खबर भी मिल रही है। बिल्कुल, इस खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहां पर बांग्लादेश के ढाका में आग से बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में आग से 6 लोगों की मौत की जानकारी अब तक निकल कर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर बांग्लादेश से इस वक्त की मिल रही है। यहां ढाका में बड़ा हादसा हुआ है, आग लग गई एक फैक्ट्री में और इस भीषण आग में 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये जांच में पता चलेगा, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले यही है कि देखिए तस्वीरें सामने आ चुका है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, काले धुएं का गुबार आपको साफ तौर पर इस बिल्डिंग से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये वही फैक्ट्री है जिसमें आग लगने से अब तक बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भीषण आग है और देखिए इन तस्वीरों में आपको फायर फाइटर्स भी दिखाई दे जाएंगे, मतलब लगातार आग के ऊपर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार, आग की लपटें भी अंदर से उठती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये भीषण आग लगी है और ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। साग में हो गई है, हालांकि ठीक आंकड़ा क्या है उसकी अभी आगे और ज्यादा जब खबर की पुष्टि हो पाएगी तो बताएंगे, लेकिन ये जो भीषण आग लगी है वो तस्वीरें आपके सामने। तो ढाका के चौक बाजार इलाके में ये आग लगी है जिसमें 6 लोगों की मौत की अभी तक जानकारी है, जबकि कई लोग अभी आग में फंसे हुए हैं। जो बताया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि आखिर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं तुरंत सबसे पहले उन्हें बाहर निकाला जाए और उसके बाद जांच की जाएगी कि आखिर आग किस वजह से लगी है। लेकिन शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। देखिए फायर फाइटर्स जो है, दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और किसी भी तरीके से कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालना पहली प्राथमिकता है। लगातार इस काम को अंजाम भी दिया जा रहा है, रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। आप देखिए किस तरह से जो दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी इस कोशिश में है कि आग जल्द से जल्द बुझाई जा सके। ये फैक्ट्री एक है जिसमें भीषण आग लगी हुई इस वक्त बताई जा रही है, 6 लोगों की मौत की खबर, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं, उन सबको बाहर निकालना सबसे पहली प्राथमिकता। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, संकरी गलियां हैं, ऐसे में ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ रहा है दमकल विभाग की जो टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन कई टीम्स वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो अधिकारी है वो अभी तक इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जानकारी अब तक है वो ये कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। देखिए किस तरीके से सीढ़ी के सहारे जो है वो फैक्ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऊपर के तले में जो है वो आग लगी हुई है। अब ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और साथ ही अंदर जो लोग फंसे हुए हैं सबसे पहले उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे आग फैलेगी धुएं का गुबार फैलेगा, लोगों का दम घुट सकता है, ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी देर होगी, इस आग पर काबू पाने में जितनी ज्यादा देर होगी, अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान भी संकट में इस वक्त है और उन्हें निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कोशिशें जारी है आग पर काबू पाने की, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार।